नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े सुपुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर और फिर रामू भैया एक दिवसीय दौरे पर रहे। विलुमा मकोड़ा के पहुंचे छीमक, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़े पुष्पहार के साथ किया रामू तोमर का भव्य स्वागत। तत्पश्चात बागवाई होते हुए भीतरवार पहुंचे, जहां कनेरा किराए पर कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़े पुष्पहार के साथ स्वागत किया। उसके बाद रामू तोमर ग्राम साखनी होते हुए पहुंचे धुमेश्वर धाम, जहां देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के द्वारा भूमेश्वर महादेव का जलाभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना कर धुमेश्वर महादेव का लिया आशीर्वाद। तत्पश्चात सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद, साथ ही धुमेश्वर महादेव के भंडारे के प्रसादी ग्रहण। देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हमें संगठन को मजबूत करना होगा। मेरा सौभाग्य कि मैं आपने मुझे धुमेश्वर महादेव के दर्शन कराए, साथ ही आप सबके बीच बातचीत का करने का मौका मिला। इस मौके पर ग्वालियर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जैन सहित जबरा भीतरवार के अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जबरा से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। आप सबका मन ये समय निकाला है, उसके लिए आप सबके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है वो आपको सही नहीं, हमारे शक्ति ये मैं प्रत्यक्ष करके कहता हूँ। जब से मैं आया हूँ यहाँ करके, हमने कुछ नहीं किया। हमारे वैसे ये समझ मिल रहा है लोगों को, हमने तुम लोग को कुछ भी नहीं किया है। ये बस शिव जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो धनुष भगवान के ताजमान है, उनकी कृपा से सारे सुख, हमको तो कुछ करते ही नहीं। ये समय जरूर मिलता है नृत्य मात्र में खुश आप शाचन इस प्रकार से ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।